नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछ मु स्वागतिका बुलेटिन आरंभ करबा एक गुरुत्वपूर्ण खबर आज अपराह्न 3:11 रे महाकाश को पठा गला 10टी उपग्रह आंध्रप्रदेश श्रीहरिकोटा रो उपग्रह गुडी को पठाइला इसरो ईओएस 01 सहित अन्य देशर 9टी सैटेलाइट पठाई छि इसरो यहा सैटेलाइट जान पीएसएलवी C49 रो 51तम अभियान ईओएस 01 अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट माध्यम रे इसरो अंतरिक्षरु पृथ्वी उपरे नजर रखि परिपो ए उन्नत संस्करण रे एक सिंथेटिक अपर्चर राडार अछि जहा कि जे कोनोसी समय रे एवं जे कोनोसी पाग रे पृथ्वी उपरे नजर रखिबार क्षमता रखि छि। एहा मध्ये कुहा जाय छि जे ए उपग्रह भारतीय सेना को एहार सीमा रे जगिबार सहाय्य करिबो। एथि सहित ए उपग्रह कृषि जंगल एवं विपर्य परिचालना रे व्यवहार करा जाय परिबो। या पूर्वरु इसरो डिसेंबर 2019 रे यह राष्ट्रीय उपग्रह उत्क्षेपण कर दिया। बिहार विधानसभा निर्वाचन तृतीय तथा शेष पर्याय मतदान जारी रही। 15 जिलार 78 आसन लागी हेउछि वोटिंग। संध्या 6टा पर्यंत चलो मतदान। अपराह्न 3टा सुधा 45.85% मतदान होइछि। ए पर्यायर नीतीश सरकार 8 मंत्री समेत 1207 प्रार्थी भाग्य निर्धारण करुछन्ति भोटर। 78 आसन आरजेडी 46 आसन 25 आसन कांग्रेस और 7 आसन वाम दल प्रार्थी देखते। सेपरी एनडीए 37 आसन जेटीयू 35 आसन बीजेपी विकासशील इंसान पार्टी 5 हिंदुस्तान आवामी मोर्चा गोटे आसन प्रार्थी देखिए। निर्वाचन सीमांचल अधीन पूर्णिया कटिहार किशनगंज और आरारिया जिलार 24 आसन रुथ्वर यह अंचल फलाफल समस्त नजर। 10 तारीख में स्पष्ट होहार सभी मतदाताओं से कि जिला प्रशासन ने उनकी उनको कोई परेशानी नहीं हो इसको ध्यान में रखते हुए हर एक मतदान केंद्र पर व्यापक व्यवस्था की है। कोविड-19 संक्रमण के मद्देनज़र जो तैयारियां की जानी उनका भी विशेष ध्यान रखा गया है। मैं सभी मतदाताओं से जिले के सभी मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि वो अधिक से अधिक संख्या में निकले और लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा बने। सुबह सुबह ही लंबी लंबी कतारें लग गई थी और वोटिंग परसेंटेज अच्छा है अभी हमारे पास में। शिकायतें कुछ आ रही हैं, इसको हम लोग तत्काल समाधान कर रहे हैं। कहीं से कोई समस्या नहीं आ रही कोविड से या फिर सुरक्षा के बिंदु पर कहीं भी कोई किसी को शक नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों ने व्यापक तैयारी की है और हमारा बूथ पूरी तरह सुरक्षित है तो अधिक से अधिक संख्या में आकर के वोट करना चाहिए। तृतीय तथा शेष पर्याय निर्वाचन पई बिहार चली मतदान। एपटे किशनगंज नेपाल सीमार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी एसएसबी जवान माने सीमार लगातार भाव में जगि रही। एठार किसी गड़बड़ आशंका रही जवान माने सतर्क अच्छा तेणु यह अंचल शांतिपूर्ण भाव में मतदान होशनगंज भारत नेपाल सीमार अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि रवि एस नारायण। अभी हम खड़े हैं किशनगंज में और किशनगंज के भारत और नेपाल के सीमा पर और आपको बता दें कि भारत और नेपाल के ये बॉर्डर है वहाँ पे सख्ती जो है वो किस कदर बरती जा रही है देख सकते हैं। और यहाँ पे एक तरफ मतदान चल रहा है और दूसरे तरफ यहाँ पे एसएसबी के जो जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और सीमा रेखा के सुरक्षा पर आपको बता दूं कि ये जो देख रहे हैं यहाँ से ठीक आगे का जो मेड़ का इलाका है वो पूरा नेपाल में पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नेपाल के कई किलोमीटर के जो इलाके हैं वो बिल्कुल ओपन है, वहाँ पर यहाँ से बाउंड्री की हुई नहीं है, बेड़ा नहीं लगाया गया है, जिसके कारण ये हमेशा खतरा बना रहता है कि यहाँ पे किसी भी ढंग से वोट के समय जो है कहीं से कोई कोताही ना हो, कहीं से कोई गड़बड़ी ना हो पाए। एसएसबी के जवान जो यहाँ पे लगातार गश्त करते रहते हैं आपको सुरक्षित महसूस करते हैं लगातार समझाते भी हैं क्या बोलते हैं कि भैया इधर वोटिंग हो रहा है बढ़िया से, आप लोग को भी कोई तरह का बात हो या कोई अनजान आदमी नजर आवे उस लोग का जो है तो निगरानी रखना, हम लोग तो अपना ड्यूटी कर ही रहे हैं। इस हिसाब से वो लोग भी ड्यूटी करते हैं, हम लोग को भी बोल रहा है कि रात भी रात कोई तरह का वैसा बात हो तो हम लोग को जानकारी देना। तो देखिए गांव वाले भी जो है वो सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि ये सीमा रेखा पर जो नेपाल का ये बॉर्डर है वहाँ पे आप ज़रा सोचिए कि एक कदम की दूरी पर पूरा नेपाल है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा रखना ज़रूरी है क्योंकि मतदान का दिन है और मतदान के दिन में किसी भी ढंग से कोताही नहीं बरती जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण,
न्यूज 18 बिहार बगहारे नक्सल प्रभावित अंचल में शांतिपूर्ण भाव चली मतदान नक्सल प्रभावित गांव गुड़िक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी लोकने मतदान केन्द्र को जा भोट दे बड़ कथ पुरुषों तुलन में महिला भोटरों संख्या अधिक बगहारू अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि मोनाराज लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह सुदूर इलाके में भी है। अभी हम पहुंचे हैं नक्सल प्रभावित कठा का एक इलाका है, वाल्मीकि नगर विधानसभा का बूथ नंबर 106-107 है। यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आधी आबादी की संख्या काफ़ी है, यहाँ पुरुषों की संख्या में दोगुनी संख्या महिलाओं की होगी। इतने इंटायर और नक्सल इलाके में इस तरह लोग अपने निर्भीक होकर अपने घरों से निकले हैं और सुबह से ही जो सुबह 7 बजे से जो कतार शुरू हुई है इसका सिलसिला लगातार बूथों पर दिख रहा है और यह इस इलाके में इस तरह का उत्साह और इस तरह की भीड़ निश्चित रूप से एक अच्छी खबर है आम प्रशासन के लिए। हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का मुद्दा इन महिलाओं के पास है जिसके सारे वोट देने आई हैं। क्या सोच के आए बहन लोग? क्योंकि ग्रामीण इलाका है, महिलाएं थोड़ा शर्मा जरूर रही हैं, लेकिन जिस तरह महिलाओं की संख्या है और जिस तादाद में महिलाएं पहुंच रही है निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एक बड़ा संदेश है। मुन्नाराज, न्यूज 18 बगहा। मुजफ्फरपुर शांतिपूर्ण भाव में चली मतदान भोटर मध्य मतदान को नहीं भरपूर उत्साह देखा मिली। एठार एक बूथ में जने 80 वर्षीय वृद्ध भोट देवाई पहुंची एपरिक तीन पीढ़ी मतदाता एका संगे जा निजर मताधिकार सब्यस्त कर प्रजातंत्र की खूबसूरती देखिए, तीन पीढ़ी एक साथ है। ये मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर है और यहाँ जो वृद्ध हैं इनको लेकर उनका लड़का और पोता तीनों आए। कितने साल के हैं ये? 80 हैं। हाँ हाँ, हम 52 हैं। अच्छा अच्छा, हमारा बेटा है 20 साल। अच्छा, आप वोटर बने हैं? जी जी जी। ये आप कब से वोटिंग कर रहे हैं? पहली बार कब वोटिंग किए थे? पहला बार कब वोट दिलाऊ रहा याद तो नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन अगले साल दिए थे। अच्छा, पिछले साल। तो आप काफी वृद्ध हो गए हैं और ये पूरा परिवार है इनके? आप लोग पुतो हैं? अच्छा, पोती हैं। अच्छा, ये इनको लाए कि ये खुद चल के आए? बहुत जिद किए थे, हम वोट गिराएंगे, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। ये सुंदर सी तस्वीर देखिए, क्या मैसेज है कि आप पूरे परिवार के साथ अपने वृद्ध जो जन हैं घर के उनको लेकर ये आए हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में जो लोग घरों में हैं अभी भी उन्हें मतदान केंद्र तक आना चाहिए और पूरे परिवार के साथ आप मत देकर अपना एक सही प्रत्याशी चुन सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। सुपौल मतदान केन्द्र में चली भोट सका विभिन्न केन्द्र में पहुंची भोट देखते मतदाता सुपौल एक केन्द्र को मॉडल बूथ कर जो भोटरों पर अच्छी विशेष व्यवस्था मॉडल बूथ रु अधिक सूचना देखते आम प्रतिनिधि अमित कुमार। मतदान शुरू हो चुका है और मतदान प्रक्रिया में जो महिला वोटर हैं वो सबसे आगे दिख रही हैं। यहाँ पे मतदान केंद्र पे उनकी भीड़ जो है, कतार जो है वो देखने को मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं कि कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसका यहाँ पे पालन किया जा रहा है। विकास चाहती है। चलिए हम दूसरे से बात करते हैं, आप बताइए क्या सोच के आई हैं, मन में कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए, क्या मुद्दे हैं? विकास चाहिए। विकास चाहिए। अम्मा ये बताइए कि आप 7 बजे के पहले आके खड़ी थी, इंतजार कर रही थी कि कैसे 7 बजे, अब तो मतदान शुरू हो चुका है, क्या मन में किन बातों को ध्यान में रख करके? विकास चाहिए, बच्चे लोग आगे बढ़े यही चाहते हैं। हम लोग इससे 15 साल पहले देखा है इसलिए हम लोग को 15 साल। जी जी जी, बिल्कुल विकास, विकास चाहिए। आप बताइए क्या सोच के आए आपने? हम लोग तो वही सोच रहे हैं कि आगे चल के भी विकास हो। विकास हो, सभी का एक ही सुर है, सीधे तौर पे विकास चाहिए और विकास को लेकर के ही यहाँ पे जो है वो लोग जो है वो वोटिंग कर रहे हैं। फिलहाल जो है ये वोटिंग जो है शाम 6 बजे तक यूं ही जारी रहेगी। हम अपील करते हैं आप उन वोटरों से जो अब तक मतदान केंद्र पे नहीं आए हैं, घर के कामकाज को निपटाने में लगे हैं, तो वो आप जो हैं अपना काम को छोड़िए। सबसे पहले आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा दिन है, महापर्व है, इस महापर्व में आप शामिल होइए और यहाँ आकर के ईवीएम का घंटी बजाइए। कैमरा पर्सन नीलमणि और सहयोगी अमित झा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सुपौल। बिहार सुपौल भोट को नहीं लोकों मध्य बेस उत्साह देखा मिली। लंबा लाइन में ढड़ा हो लोकने निजर मताधिकार सब्यस्त करते अधिक सूचना देखते आम न्यूज 18 बिहार प्रतिनिधि अमित कुमार।
लोकतंत्र की सबसे अच्छी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त सुपौल से। ये सुपौल विधानसभा का बूथ संख्या 19 है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से वोटरों में गजब का उत्साह है। मानो वोटर आज के दिन का इंतजार ही कर रहे थे। यहाँ पे जैसे ही 7 बजा है उसके बाद वोटर जो है वो एक एक करके यहाँ आने शुरू हुए और अब जो है पूरे तौर पे ये कतार है। महिलाएं जो हैं वो ठान रखी हैं कि पुरुषों को पछाड़ना है। पुरुष मतदाता का ये मानना है कि हम आगे रहेंगे, हम महिलाओं को जो है पीछे छोड़ेंगे। लेकिन इस रस्साकसी में सबसे अच्छी और सबसे सुखद जो तस्वीर है वो हम दिखा रहे हैं। देखिए एक महिला जो है अपने नाबालिग बच्चे को लेकर के यहाँ मतदान करने आई है। क्या सोच के आई है, हम बात करते से क्या सोचा आपने? कैसा सरकार? बढ़िया सरकार। काम तो कुछ भी नहीं किया वोट गिराने के लिए। पहले तो ये जरूरी ना है वोट गिराना ना है। पहली बार वोट देने आई है? पहली बार वोट देने आई है। उत्साह काफी है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रहा है। अब तक पहली बार वोट करने? आपने क्या सोचा है? कैसी सरकार, काम करने वाली, रोजगार वाली, किस तरह की? शिक्षा और रोजगार वाली। नेता तो सब कुछ ठीक है लेकिन काम करने वाला? काम करने वाला चाहिए। निश्चित तौर पे ये काम करने वाले लोगों को यहाँ के वोटर चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हो वो काम करने वाला हो। और इसी सोच के साथ यहाँ पे जो है वोटर जो है वो आए हुए हैं और यहाँ आकर करके वोट जो है कर रहे हैं। तो हम भी अपील करेंगे उन मतदाताओं से जो अब तक अपने घर से नहीं निकले हैं, वो इस पंक्ति में आकर के शामिल हों और जो बीड़ा इन लोगों ने उठाई है लोकतंत्र को मजबूत करने की, वो बीड़ा आप भी उठाएं, लोकतंत्र को मजबूत करें, वोट करें। कैमरामैन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 सुपौल। स्वागत। जो बिडेन अमेरिकार 46वां राष्ट्रपति हेबा एक प्रकार निश्चित। जॉर्जिया पेनसिल्वानिया रे विजय सहित व्हाइट हाउस रेस रे बाजी मारिबा नै आशावादी अछन्ति बिडेन। एपर्यंत 264 इलेक्ट्रोकाल वोट पाइथिबा बिडेन विजय नै दृढ़ोक्ति प्रकाश करिछन्ति। सरकारी भाव में फलाफल घोषणा होइनथिले मध्य आमे खूब शीघ्र जितिबा को जाउछु बोली बिडेन कहिछन्ति। राष्ट्रपति निर्वाचन रे संख्या गरिष्ठता हासिल करबा को 270 खंड इलेक्ट्रोकाल वोट आवश्यक। तबे जॉर्जिया रे ट्रम्प एवं बिडेन को मध्ये वोट व्यवधान कम रहितबारु सेठारे पूर्ण थरे वोट गणति हेबार संभावना अछि। We're going to win this race. Just look at what has happened since yesterday. 24 hours, we were behind in Georgia. Now we're ahead, and we're going to win that state. 24 hours ago, we were behind in Pennsylvania, and we are going to win Pennsylvania. And now we're ahead, but we're winning in Arizona, winning in Nevada. And in fact, our lead just doubled in Nevada. We're on track to over 300 electoral votes, electoral college votes. And look at the national numbers. We're going to win this race with a clear majority of the nation behind us. We've gotten over 74 million votes. Let me repeat that, 74 million votes. That's more than any presidential ticket has ever gotten in the history of the United States of America. And our vote total is still growing. We're beating Donald Trump by over 4 million votes. महानदी जल विवाद मामलारे ट्रिब्युनल सुनानी शेष। भिसी हेरे होइतिबा एही सुनानी रे राज्य सरकार को पक्ष रखा जायछि दुईटी दाबी। राज्य सरकार को पक्ष कुहा जायछि जे अणमौसमी समय एक निर्दिष्ट परिमाण जल हीराकु जल भंडार को छाड़ा नहीं ओडिशार अंतरीण आवेदन उपरे बारंबार बैठक विफल होइछि। उभय पक्ष मध्ये कोनोसे प्रकार समाधान बाट बाहरी पारिनाहि। तेणु डिसेंबर कोनोसे एक तारीख रे मामलार चूड़ांत सुनानी करी उभय पक्ष दाबी अनुसार ट्रिब्युनल राय देबाकु दाबी रखिछन्ति। एथसहित एक विवाद में तथ्य आदान प्रदान कमन इनफर्मेसन फर्माट चूड़ा हो सारी। छत्तीसगढ़ सरकार ब्यारेज संपर्कित तथ्य रखा राज्य सरकार दावी रखिंट। आडभोकेट जनरल अस्वस्थ थवशा पक्ष मामला परिचालना कर वरिष्ठ आईनजीवी मुकुल रोहतगी। तेज छत्तीसगढ़ केत ब्यारेज कर यार क्षमता और उच्चता केते एभली तथ्य आसेसन को देले ओडिशा सरकार ट्रिब्युनाल आवेदन करिपारिबे बोले ट्रिब्युनाल कहिछन्ति। एथसहित मूल आवेदन शुणाणी समय निर्धारण पई दुई पक्ष को परामर्श देछन्ति ट्रिब्युनाल। विचारपति एएम खानविलकर अध्यक्षतार गठित तीन जनिया खंडपीठ से शुणाणी होइछि। मामलार परवर्त शुणाणी डिसेंबर 5 तारीख रे हेबो।
मलकानगिरी स्वाभिमान अंचल में पैंतरा मारूछि वायुसेनार हेलिकॉप्टर माओवादी गतिविधि पर नजर रखा हेलिकॉप्टर बुलुछि स्वाभिमान अंचल में माओवादी दमन नहीं समर सज्जा आरंभ परिप्रेक्षी में गतकाली डीआईजी एवं एसपी जबर भाव में बीएसएफ क्यांप परिदर्शन करथिले पूरी बलियापंडा अंचल में सेक्स राकेट सक्रिय शुक्रवार रात होटल सी ब्लू उपरे चढ़ाव कर देह व्यवसाय राकेट ठाब कर पुलिस होटल मालिक समेत तीन ग्राहकों गिरफ्त कर पांच जन देहजीवी को अटक रखी पुलिस होटल भितर किसी आपत्तिजनक सामग्री जबत कर सूचना देखते अतिरिक्त एसपी अरुण जेना दल विरोधी कार्य को नहीं बीजेडी निलंबित जीवन प्रदीप दास वायरल ऑडियो पर भूल मांगी बालेश्वर सदर आसन प्रार्थी करान नहीं से जड़े कर्मी सहित कथा ऑडियो वायरल ऑडियो रे बीजेपी को वोट देवाक पूर्वतन बीजेडी नेता तेरे ऑडियो रे निजर कथाई अनुतप्त जीवन प्रदीप निर्वाचन प्रचार बेले अवहेला अभिमान ने कहु कहु कही कथा से स्वीकार करते तेरे फोन में वार्तालाप को कांछाण कर उद्देश्यमूलक भाव वायरल कर दल में जोगदे कथा को नहीं से कहते जे निज भूल प्रायश्चित कलापर परवर्त पदक्षेप नहीं निष्पत्ति ने जो ऑडियो को नहीं जा प्रसंग एक्चुअली सर सत कौन सत हो कथी रेकर्डिंग कर परिप्रेक्षी में कथा कौन परी सी तो ए कारण किसी ना कि जो उच्चारण टी से उच्चारण ठीक नुह जो शब्द प्रयोग मुझे ठीक नु अनुचित कथा पूरा ना आपण शब्द को भिन्न अर्थ परिवेषण कर भूल से कथा ना निश्चित भाव त्रुटि ना मो द्वारा ही त्रुटि तेनाली तो भूल स्वीकार कर परिस्थिति आपनो बीजेपी को वोट दवापे कही सर से बीजेपी को प्रकृत मो से जो ऑडियो जोटा आसुच्छे से तो जदि तार अर्थ बाहर जो बीजेपी को वोट दवापे कहि कांग्रेस को वोट दवापे कहि किंतु प्रकृत मोर अर्थ से नाला कि मुझे बोध शुणला तार भावार्थ यही बाहर जहा मे ओडियो शुणा से बाहर तेनाली मुझर संयमता तो रक्षा कर पार नी तेणु किसी अशोभन शब्द मध्य प्रयोग करी से भूल प्रार्थना भूल मागिक क्षमा प्रार्थना कर किंतु किंतु सर मुझे मोर जानवाक चाहिए दल भितर असंतोष दल अभिमान से असंतोष रूप ना कि निश्चित भाव दीर्घ दिन धरी निर्वाचन दीर्घ दिन धरी तो छाड़ निर्वाचन प्रोसेस भितर जो अवहेलार शिकार हेली यहाँ गोटे तार गोटे मो मजे परिप्रकाश कि कारण जहा एमती भाषा शोभनीय जमा नुह आपणकर परवर्त पदक्षेप कौन हम आप बीजेपी को जीवे नहीं मुझे किसी निष्पत्ति करना मुझे मोर से भूल प्रायश्चित कर जीवन प्रदीप नमस्कार भाई नमस्कार नमस्कार भाई बहुत दिन पर फोन किस कथा एकदम पूरा चुपचाप हो बस बसे देले मते दल भर बसे देले कौन कर माने एक्चुअली मैटर किसी को ना बुझी पाले ना हमें ये दल मैटर मैटर पूरा माने बदमाशी महासागर सब बेईमानी कले बदमाशी कले अच्छा ये तीन नंबर के टिकट पाई गला हम सी एक्चुअली थिला जे रवि जना ताकू गुटे टिकट दिया करेला हला अटा रवि जना दिया करे जोंदी अच्छा दिया करेला दिया करे कि ताकू कहि दिसला जे तू कहबो मु लड़ीबे नी मु छाड़ देबी छाड़ देबी से भी प्रथम मीडिया रे से कहला मु किए मु लड़ीबे नी से सार लड़ीबे रबबू लड़ीबे मु टिकट नै कि ताका पर जे दुई दिन काला तांको टिकट नै कि तांग घरे पके देकि चले आसला अच्छा सी कोन कला किछि लोक एकत्रित करी कि रवि जना लड़ू रवि जना लड़ू एमती सब स्लोगान फ्लोगान दिया करें दु दिन का 3000 लोक एकत्रित कर
କିନ୍ତୁ 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 ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିଦ୍ ଧରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ଟିକେଟ ଚେଞ୍ଜ ହବ ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲଢିବି, ନବୀନ ଜେନା କାହିଁକି ଲଢିବ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଉଠୁ ସେବାରେ କହିଲେ ନାଇଁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସିଏ ଲଢୁ, ଆଉ ସିଏ ହଉଛି ରବି ଜେନାର ପାଲତୁ କୁର୍ତ୍ତା। ଆଚ୍ଛା, ପାଲତୁ କୁର୍ତ୍ତା ପ୍ଲସ କୁନା ଦାସର ଭାଇ ହଉଛି ସେ, କୁନା ଦାସର ଭାଇ। ହଁ, ମାନେ ଯେତିକି ଚୋର ଡାକାତ ଗୁଣ୍ଡା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ କୁ ଶାନ୍ତି ରଖିଛେ, ସିଏ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ ମୋଷ୍ଟଲି ସବୁ ବିଜେପି କୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ବିଜେପି ନା। ହଁ, ଯାହା ହବ କଣ କରିବା, ଯଦି ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ନ ଦେଇକି ଆଉ କଣ କରିବା। ମୋର କହିବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖ ସତ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଯଚ୍ଚ ବିଜେଡି ଅଛି କିମ୍ବା ବିଜେପିରେ ଯାହା ହେଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଗୋଟେ ଦଳ। ଯଦି ଯଦି ମାଇନୋରିଟି ଭୋଟ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ଯଦି ବିଜେପି କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବିଜେଡି କୁ କାହିଁକି ଦେବେ? ସେଟା ଏକ ସବୁରେ ତ ବିଜେପି କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦଉ, ଆମ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରେ ରହିଲ, ନହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଦିଅ। ତ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଯିବେନି କିଛି ଲୋକ, କାହିଁକି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ଡିସାଇଡ କଣ ହେଲା ଭାଇ, ବିଜେପି କୁ ଦ ସବୁ ଫୁଲ୍ ମେ ଦୋ। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ। ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ତେଜୁଛି। ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଦୁଇ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ କଥାକୁ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବା ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି। ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ, ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ସେ ଏଭଳି କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ହେଉଛି ଯଦିଓ ବିଜେପି କି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ, ସିବିଆଇ ଭୟ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ 11-12 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରପ୍ସନ୍ରେ ବୁଡ଼ିକିରି ଅଛନ୍ତି, ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଗଲାଣି କର୍ମଚାରୀ କଥାରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରି, ବେଳ ଆସିବ ସେ ବି ପଡ଼ିବେ ଖାଲିରେ, ସେ ସଜାଗ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହି ଇଜ୍ ଲୁଜିଂ ହିଜ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ପଲିଟିକାଲ୍ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ୍କୁ ସେ ନିଜେ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଚରଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତାମାନେ ନ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଛ ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କର, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଅଛ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ନେଇକି ଲଘୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସମୀଚୀନ କଥା ନୁହେଁ। ଏ କଥା ବି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସହିତ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ନଥିଲା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ୍ ନ ପାଇଲେ ସେଠୁ ବିଜେଡ଼ି ବନ୍ଧୁତା କଲା ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ତାଙ୍କର ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିକି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କଲେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ପଡ଼ିଲା ସେ ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ଟ ହେଇକି ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଜେପି ଠାରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସମଦୂରତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ଲଢ଼େଇ ବିଜେପି ସହିତ ହେଉଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମଧ୍ୟ।